हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आप लोग कह सकते हैं सेकंड केमिस्ट्री के चैप्टर 1, जिसका नाम है हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन, इस चैप्टर के हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपने हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ रखा है या फिर पढ़ने वाले हैं, तो इन 4 क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं जो 4 क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा, चाहे आप ये चैप्टर पढ़े हों या फिर ना पढ़े हों, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना ही होता है, ये एक कड़वा सच है, आज नहीं तो कुछ दिन बाद तो आपको पढ़ना होगा। तो चलिए, क्यों ना आज ही हम इस चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इसका पीडीएफ भी मैं आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है, ये आपको अल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड चैप्टर होगा। तो देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक हम फिर इनवॉइस आपको कहते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा आंसर है, ठीक है। सांद्र HCl और प्लस निर्जल, ठीक है, ZnCl2 का मिश्रण जो होता है, इसी को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, और इसी की सहायता से ल्यूकास परीक्षण को किया जाता है। ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी वीडियो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो सांद्र HCl यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड का मिश्रण जो होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। देखिए कितना इजी है, एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें आपको यहां पर याद करनी है, एक तो ये कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण, बस यही है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो को देखने के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। इसके बाद में हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित करते हैं क्यों, यानी कि जो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है जिसका फार्मूला होता है CHCl3 और इसी को हम प्यार से कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, सर नाम आपने सुना हो, क्लोरोफॉर्म के बारे में मैं एक बहुत ही अच्छा और बड़ा वीडियो बना चुका हूं, तो उसको भी आप नीचे जाकर देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है, इसे सूंघने पर क्या होता है। तो देखिए, ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्या कारण है कि हम क्लोरोफॉर्म को बोतल में रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कारण है, क्योंकि जो ट्राइक्लोरोमेथेन है, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है, साथ में आप लिखिएगा या फिर पीडीएफ से भी आप तैयार कर सकते हैं, या क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, इसीलिए हम लोग अभी बताएंगे उपस्थिति में वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है O2, ठीक है, जिसको हम लोग अपने सांस में लेते हैं, ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से आक्सीकृत होकर एक अत्यधिक विषैली गैस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा विषैली जो होती है, एक गैस, विषैली गैस, ठीक है, क्या है, फॉस्फीन और फॉस्जीन में अंतर है, ठीक है। फॉस्फीन का फार्मूला होता है COCl2 और जो फॉस्फीन होता है उसका फार्मूला होता है PH3, ठीक है, बनाती है, क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करती है और आक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फॉस्जीन बनाती है,
ठीक है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विषैली है मानव जीव के लिए, जीव जंतु के लिए। तो इसीलिए हम लोग CHCl3 को, क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं, और भी हम क्लोरोफॉर्म को जो है काले कागज में लपेट कर, ये सब आप 1% C2H5OH की कुछ बूंद मिलाकर रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि ऑक्सीजन आप बाहर रख देंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वो ऑक्सीकृत होकर फास्जीन बना देगी, जो कि बहुत ही विषैली गैस है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। इसका रिएक्शन होगा CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, इसकी अभिक्रिया हो जाएगी H2O से, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन से, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की। ठीक है, तो यह आपका क्या बनाएगा, CO Cl2 और प्लस HCl, यानी कि ये है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और इसने किया क्या, इसने O2 यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कर ली प्रकाश की उपस्थिति में, और बना लिया इसको फॉस्जीन को। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, जैसे CHCl कितने कार्बन है, एक बैलेंस करना आपको पता होगा, मैंने भी बताया है। ठीक है, एच कितने हैं, एक है, Cl3 है, तो Cl2 यहां से Cl यहां पे, ठीक है, Cl3 हो गया, H2O का मतलब O, तो वो यहां पर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। इसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। एक अभिक्रिया होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जिसका रासायनिक समीकरण आपको देना है, तो CH3CH2I, ठीक है, इसे हम कहते हैं एथिल आयोडाइड। देखिए एक कार्बन है मेथिल, दो कार्बन है एथिल, तो एथिल आयोडाइड की जब हम जिंक से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो आपका ये बनता है, क्या बनता है, CH3CH2CH2CH3, ठीक है, और प्लस ये 3 है, ठीक है, ZnI2, तो ये आपका बनता है। यानी कि जब हम एथिल आयोडाइड की क्रिया जिंक से कराते हैं, तो आपका ये मेथ एथ प्रोब ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन बनता है, और ZnI2 यानी कि जिंक आयोडाइड बनता है। इसी को हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। बट अभी बैलेंस आपका रिएक्शन जो है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3CH2 कितने कार्बन है, एक दो, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि आगे आपको लगाना होगा 2। तो देखिए 4 कार्बन हो गए हाइड्रोजन, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 6 × 4 = 10, ठीक है, यहाँ पर 3 × 2 = 5 × 2 = 7 × 3 = 10, समझ में आ रहा है। ZN कितना है, एक है, यहाँ पर भी एक है, I कितना है, एक है, लेकिन यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो I2, तो ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे एथिल आयोडाइड। ठीक है, एथिल आयोडाइड, ठीक है, जब एथिल आयोडाइड की क्रिया हम जिंक से कराते हैं, तो ब्यूटेन और ZN यानी कि जिंक आयोडाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है कि वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अभिक्रिया जो है वुड्स अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, जो बहुत सारी अभिक्रियाएं, लगभग मैंने 18 अभिक्रियाएं आपके इसमें हैं, ठीक है, 18 और भी हो सकती हैं, तो इन सभी अभिक्रियाओं को मैं एक प्लेलिस्ट में रख चुका हूं। उस प्लेलिस्ट का नाम है इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर। तो आप सर्च करके जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सभी अभिक्रियाओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उर्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या होता है इसका रासायनिक समीकरण, तो जब, ठीक है, ये क्या है आपका RR+2, तो सॉरी इस प्रकार से नहीं रहता, थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है। उर्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण केवल आपको देना है। ठीक है, तो ये होता है 2RX, यानी कि जब एल्किल हैलाइड, RX क्या है, एल्किल हैलाइड, R एल्किल है, X हैलाइड है। ठीक है, इसको आप डीपली भी समझ सकते हैं, 2RX+2Na दैट्स गिव्स आउट, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराते हैं, तो आपका बनता है RR+2NaX, यानी कि जब हम एल्किल हैलाइड, R क्या है, एल्किल है, X क्या है, हैलाइड है। ठीक है, हैलाइड के अंदर क्या क्या आते हैं, हैलोजन तत्व, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऐसे सब जो एक हाइड्रोजन ग्रुप के होते हैं। देखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम से कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनता है, इसी को हम कहते हैं
क्या वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, टू आर के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे सी एस थ्री हमने लिख दिया, ठीक है। एक्स के स्थान पर हम ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं, तो चलिए सी एल ए ले लेते हैं, प्लस टू एन ए डेट गिव्स आउट, ऊपर लगा दीजिए शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर। तो देखिए ये जो है आपका ये केमिस्ट्री के हिसाब से है, इसी को हम लोग अगर अप्लाई कर दें, जो आपका एल्किल ग्रुप है एल्किल लगा दें, हाइलोजन पर हाइलोजन लगा दें, तो आपका इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आर आर के स्थान पर, आर के स्थान पर हमने क्या लिखा, सी एस थ्री, तो सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है, प्लस टू एन ए। एक्स के स्थान पर लिखा हमने सी एल, तो ये भी आपकी हो जाएगी वुड्स अभिक्रिया, सेम है, कोई उसमें जो है डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसको हम कहेंगे एल्किल हैलाइड, लेकिन यहाँ पर क्या है मेथिल एक है, तो हम लिख देंगे मेथिल है, मेथिल हाइलाइड के स्थान पर लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। और अच्छे से अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप लोग जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इसे हम कहेंगे मेथ एथ यानी कि एथेन, ठीक है, जो कि एक एल्केन है। इसे हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड एनएसीएल को, तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है, इसी को हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।